नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह। मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग का कोऑर्डिनेटर हूं और आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, काजमी साहब, SMA काजमी। काजमी साहब उत्तराखंड में ट्रिब्यून अखबार के ब्यूरो चीफ हैं, पूरा स्टेट को वो हेड करते हैं। तो काजमी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे स्टूडियो में। काजमी साहब से मैं बात करूंगा पत्रकारिता के बारे में और उसके बाद उत्तराखंड में किस तरह की पत्रकारिता चल रही है इस बारे में भी मैं उनसे जानकारी लूंगा। तो काजमी साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपको लगभग 3 दशक पत्रकारिता का अनुभव आपके पास है। 3 दशक आपने काम किया है, इंडियन एक्सप्रेस में आपने काम किया, उसके बाद ट्रिब्यून में आपने काम किया, अभी भी कर रहे हैं। तो एक पत्रकार के तौर पर आप न्यूज को, एक खबर को, एक समाचार को किस तरह से परिभाषित करेंगे? शुक्रिया भूपेन, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे और बातचीत की। भूपेन, खबर डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिफरेंट है। जैसे अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो डेली जो रूटीन जैसे खबर है, उसके अलावा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि वो यहाँ के लोगों के जिंदगियों को इफेक्ट करती है। तो इसलिए वो बहुत, मुझे लगता है कि वो बड़ी खबर है। बाकी जो खबरें हैं, जैसे आपने कहा कि कैसे परिभाषित करें, तो अगर 10 लोग मर गए, कोई बस खाई में गिर गई, वो एक खबर है। या चीफ मिनिस्टर ने कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर दी, बड़ा एक ऐलान कर दिया, वो भी एक खबर है। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोगों की जिंदगियों से पहाड़ में, पर्टिकुलरली हिमालय में, पर्टिकुलरली उत्तराखंड में जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, वो एक बड़ी खबर है यहाँ जी। मेरा इशारा इस बात की तरफ था कि इतने साल के अनुभव के बाद आपने जम्मू कश्मीर में कवर की हैं स्टोरीज, आतंकवाद, जो मिलिटेंसी है, उग्रवाद, उसको आपने कवर किया है, बहुत ही करीब से काजमी साहब ने देखा है। और पंजाब में भी मिलिटेंसी के दौर में आपने वहां पे कवर की हैं, उन घटनाओं को कवर किया है। उत्तराखंड में आप एक लंबे अरसे से, करीब 2 दशक से आप उत्तराखंड में भी यहाँ पर खबरों को कवर कर रहे हैं और पत्रकारिता का जो आपका एक्सपोजर है वो विदेशों तक भी फैला हुआ है। आपने शिवनिंग स्कॉलरशिप में जो फेलोशिप है उसमें आप ब्रिटेन में जाके भी आपने अध्ययन किया है। तो इतने सारे अनुभव के बाद एक पत्रकार के तौर पर अगर आपको समाचार क्या है और खबर क्या है, और जो नए लोग हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं उत्तराखंड में, तो उनको अगर आपको बताना होगा कि खबर क्या होती है, जैसे अगर परिभाषित करना होगा, तो मैं इस लिहाज से भी जानना चाह रहा हूं कि आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे। एक तो जैसे हम बोलते हैं कि जब कुत्ता इंसान को काटता है तो खबर नहीं बनती है, और जब इंसान कुत्ते को काट लेता है तो खबर बनती है। तो मतलब कि थोड़ा नई बात उसमें होती, न्यूज में, न्यूज इसमें कोई चीज है। आप लेकिन क्या जोड़ना चाहेंगे अपने अनुभवों के बाद? देखिए, ऐसा है कि जो आपने बताया कि ये तो खबर का एक पहलू है ही है कि नया क्या है, यू नो, और लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि नए मीडियम्स आ गए हैं, उनके लिए खबर एक डिफरेंट चीज है, लेकिन फिर भी एक आम आदमी के लिए एक नई चीज जो उनकी जिंदगियों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है जी, वो बड़ी खबर है। दिल्ली में अगर पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया सडनली, वो बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि वो उनके जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा उनके प्रभाव डाले, तो वो एक बहुत बड़ी खबर है दिल्ली के हिसाब से। अगर मैं चमोली में ये बात करूं जी, जहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो वहां पे इस खबर का कोई मतलब नहीं है कि वहां पे क्या एनवायरनमेंट कर रहा है, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, वहां पे इतनी गाड़ियां नहीं है। तो जहां आम आदमी लोगों की जिंदगी इफेक्ट कर रही है, जो चीज उससे रिलेटेड जो चीज है, वो एक मुझे लगता है कि बड़ी खबर है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर खबर का असर समाज पर पड़ रहा है, अगर समाज को खबर बेहतर दिशा दे रही है, या खबर समाज में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के काम आ रही है, या लोगों को सूचना दे रही है, लोग उससे सबक सीख पाए, अगर ऐसा कर रही है तो वो बेहतर एक समाचार का रोल है। तो लेकिन जो पत्रकार जुड़े रहते हैं, पत्रकारों की भूमिका को आप किस तरह से समाज में देखते हैं कि
किस तरह के पत्रकार होने चाहिए और किस तरह की खबरें उनको करनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, आपने बात की कि पत्रकार कैसे होने चाहिए, तो हमारा तो रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस डेमोक्रेसी को सस्टेन करने में, जो कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे हमारे कंट्री के, उन्होंने जो हमें दिया ये तोहफा डेमोक्रेसी का, उसमें हमारे पत्रकारों का या मीडिया का जो कई आयाम है, उसके इलेक्ट्रॉनिक भी है, प्रिंट भी है और भी कई तरह के रेडियो जर्नलिज्म है, उनका बहुत बड़ा रोल है इस डेमोक्रेसी को संवारने और इवन बचाने में। क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूं कि नया ट्रेंड चल पड़ा है, आप सिंगल पार्टी डोमिनेंस की तरफ जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि खतरनाक ट्रेंड है जी। और उसे रोकने में, उसे लोगों को समझाने में इस पत्रकार का, पत्रकारिता का, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक पत्रकार या एक पत्रकार जहां काम करता है, अखबार में हो, चाहे टेलीविजन में हो, चाहे रेडियो में हो, या आजकल चाहे इंटरनेट में हो, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक वॉचडॉग के रोल में रहे। बिल्कुल, आप ये बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि उसका वॉचडॉग से भी थोड़ा ज्यादा है कि उसे 24/7 सजग रहना है उसे, और इसे डेमोक्रेसी को बचाने में और लोगों को इन्फॉर्म करने में सच्चाई, क्योंकि ऐसा है कि जो नए मीडियम्स आ रहे हैं आजकल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स आ रहे हैं, तो बहुत फास्ट है वो, और दूसरा उसके ऊपर आधे से ज्यादा झूठ, फ्रेब और मोटिवेटेड सब कहानियां चल रही हैं, जो कि उससे लोग, आम जनमानस इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है। जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि मैं अभी कल परसों ही देख रहा था व्हाट्सएप पे एक इराक की वीडियो है, उसमें दो कैदियों का आरी से गला काटा जा रहा है, और उसमें बैकग्राउंड में वंदे मातरम बज रहा है। आप समझे कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी, एक पर्टिकुलर फिलॉसफी, एक पर्टिकुलर लोगों को वर्गल की मदद करने के लिए और आम भारत के नागरिक को भड़काने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि उसका भारत मिस इन्फॉर्मेशन और उसका भारत उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है जी। उस वीडियो का कोई मतलब नहीं है भारत से जी। लेकिन उसे भारत के गांव-गांव एक अनपढ़ आदमी से लेके और जो सोफिस्टिकेटेड सबसे पढ़ा लिखा है उस तक पहुंचाया जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत गलत ट्रेंड है, और इसको पॉजिटिव जर्नलिज्म और जो सच्ची पत्रकारिता करने वाले लोग हैं वो ही इसे थाम सकते हैं जी, क्योंकि क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी। हाँ, तो मेरा सवाल जो अगला मेरे दिमाग में आ रहा था वो इस तरह से था कि आपने पत्रकारों का रोल तो बताया, लेकिन हमारे ही समाज में, हमारे ही मीडिया में, जिस तरह का मीडिया बन रहा है, जिस तरह का समाज बन रहा है, उसमें उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, मिसयूज भी किया जा रहा है, तो ऐसे में कैसे बचा जा सकता है जो समाज में हमारी पत्रकारिता का इस्तेमाल अपने निजी हितों के लिए पत्रकार भी कर रहे हैं, और उसके अलावा जो ताकतवर लोग हैं हमारे समाज में वो भी पत्रकारिता का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हितों में, तो ऐसी स्थितियों में एक पत्रकारिता को हम बेहतर दिशा में कैसे ले जा सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, कैसे देखते हैं इनको आप? ऐसा है कि बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, आपने सही कहा, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी ने हमें इंडिपेंडेंट वो दिया है, अब उस इंडिपेंडेंस के साथ ये है कि जो सरमाएदार है, क्योंकि जो पत्रकारिता है, चाहे अखबार निकालना है या चैनल निकालना है, उसके लिए सरमाया बहुत चाहिए, उसके लिए पैसा बहुत चाहिए जी। अब वो पैसे वालों का मीडियम बन गया, तो जब पैसे वालों का मीडियम बन गया तो वेस्टेड इंटरेस्ट जो है, चाहे वो पॉलिटिकल है या इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोनों मिलके उस मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। अब बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है एक नए पत्रकार का जो कि आइडियलिस्टिक है, उसका किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, या तो वो अपना इंडिपेंडेंट काम करे, लेकिन उसकी इतनी पहुंच नहीं होगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर हम अच्छे पत्रकार पैदा करेंगे जिनके अंदर वो वैल्यूज होंगी, जिनके अंदर इंडिपेंडेंट थिंकिंग, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज होंगी, तो वो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वो थोड़ा सा इफेक्ट तो डालेंगे जी। लेकिन फिर भी जो आपने कहा कि चुनौतियां भारत में
पत्रकारिता के लिए बहुत जबरदस्त है, क्योंकि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, चाहे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, इवन सोशल है, तो वो बहुत वेल इंट्रेंच्ड हो गए हैं जी मीडिया में भी। जी तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसका जो स्थितियां हैं वो तो हम सब लोग जानते हैं, तो मुझे ये लगता है कि इसका विकल्प क्या हो सकता है। कई बार मैं सोचता हूं, जैसे उसमें से ये है कि अगर पब्लिक सर्विस मीडिया की जो एक अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, या पब्लिक सर्विस प्रेस की जो अवधारणा है, तो उसमें, या ब्रॉडकास्टिंग की, तो उसमें यह है कि क्योंकि मीडिया हमें समझ रहे हैं कि पूरी हमारी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन बनाता है, और पब्लिक ओपिनियन का हमारी डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेसी में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक ऑटोनोमस मीडिया, जो टैक्स पेयर की मनी से, जो पब्लिक सर्विस प्रेस की या मीडिया की जो अवधारणा है, ऐसा कुछ डेवलप हो कि जिसमें सीधे, और जिसमें न सीधे सरकार का हस्तक्षेप हो, और न सीधे जिसमें किसी जो सरमाएदार का हस्तक्षेप हो। क्या ऐसा हो सकता है कि क्या ये हम इमेजिनेशंस में अपनी रख सकते हैं कि फ्यूचर का मीडिया कुछ इस तरह से हो सकता है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अभी तो इनिशियल स्टेजेस हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि जो ऑडियो विजुअल मीडिया वो उड़ान पे है, चढ़त पे है आज के दिन। कोई 200 चैनल होंगे या 300 चैनल होंगे, उनमें से बहुत सारे 450 के आसपास, 450 हमारे पास न्यूज चैनल है हिंदुस्तान में, और 850 के आसपास सारे चैनल हैं। तो 850, आपने सही कहा, जो आपने फैक्ट्स बताए, तो मुझे लगता है कि 450 चैनल जो है, और बढ़ रहे हैं अभी, और आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे, पहली बात तो ये कि जिनकी क्रेडिबिलिटी रहेगी वो सर्वाइव करेंगे, मुझे पहले तो ये लगता है। जो दूसरी आपने बात की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस मीडिया क्या डेवलप हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसे मीडिया की ना के जरूरत है, बल्कि होना चाहिए उसको, और ऐसा होगा जी। मुझे ऐसा पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में भारत में, क्योंकि डेमोक्रेटिक रूट्स अब आ चुकी हैं जी, और अब वो पेड़ बड़ा हो रहा है, और उस पे जो फल लगना है जी, वो तभी पक्का होगा, तभी वो मजेदार होगा, जब ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट मीडिया भी। काजमी साहब, आपका जो यकीन है, मैं उस यकीन में अपने भी यकीन को शामिल करना चाहता हूं। तो खैर, तो इसके अलावा जो कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे कि किस तरह से जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, या जो नया मीडिया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद सामने आ रहा है, ये मोबाइल फोन हमारे सामने रखा हुआ है, व्हाट्सएप नाम की जो चीज अभी आई है, इसमें जिस तरह की मैसेजिंग हो रही है, और एक तरह से ट्रोलिंग चल रही है, वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी चल रही है, व्हाट्सएप पे भी चल रही है, और खास तरह के आइडियाज को प्रमोट किया जा रहा है, और ये जर्नलिज्म को भी प्रभावित कर रही है ये चीजें, और उसमें लेकिन जो पुराना, जो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म हमारा है, जिसमें एक तरह से जो गेटकीपर्स का जो रोल था, जैसे कि रिपोर्टर ने न्यूज भेजी तो उसको सब एडिटर उसको चेक करेगा, उसके बाद न्यूज एडिटर उसको चेक करेगा, उनकी आंखों से वो गुजरेगा, उसके फैक्ट्स को करेक्ट किया जाएगा, तो ये जो गेटकीपर्स थे, तो ये जो मीडिया आ रहा है, तो ये गेटकीपर्स को खत्म करके जो आ रहा है, तो इन इस चुनौती से कैसे बचा जा सकता है कि जिसमें कि न्यूज, बिल्कुल फैक्चुअल न्यूज लोगों के पास पहुंच जाए, और वो मिस इन्फॉर्मेशन जो है, जो गलत सूचनाएं हैं, वो सूचनाएं लोगों तक न पहुंचे, इसके रास्ते क्या समझ में आते हैं आपके, कैसे हम बढ़ सकते हैं? ये बड़ा बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज है आज के दिन, कि जो ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया में चेक्स एंड बैलेंसेस थे, जैसे आपने कहा, अब वो सब गेट क्रैश हो चुके हैं। अब तो आपके मन में जो कुछ भी आया, आपने एक बार व्हाट्सएप पे डाला, और वो फिर 100 ग्रुप्स में, और 200 में, और 1000 ग्रुप्स में तैर रहा है, वो फैल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इस पे ये चुनौती है, और इस पे काम होना चाहिए, इस पे सोच भी होनी चाहिए, और मुझे लगता है कुछ रेगुलेशंस भी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे प्रिंट में सेल्फ रेगुलेशन है, इसमें कोई सरकारी रेगुलेशन नहीं थी। अगर हमारा न्यूज एडिटर या सब एडिटर या उसके बाद कोई और एडिटर एक न्यूज स्टोरी को चेक्स एंड बैलेंसेस जो उनके थे उस पे कसौटी पे तोलता था, तो तब जाके वो आम आदमी तक। तो काजी साहब, इसमें बड़ी मुझे एक बात सोच के मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि रेगुलेशन की बात आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। तो रेगुलेशन का कई बार क्या हो जाता है कि जो हमारा न्यूज कॉन्टेंट है उसके रेगुलेशन की बात की जाती है,
और उसको रेगुलेशन के लिए भी हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रांग बॉडी है नहीं जी। और उसमें क्या होता है कि सेल्फ रेगुलेशन की बात की जाती है, और सेल्फ रेगुलेशन का मतलब कि जो न्यूज़पेपर है या जो टेलीविजन चैनल है उसके ओनर्स, उसका मैनेजमेंट बोलता है कि हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, अपने आप ही खुद को रेगुलेट करेंगे। तो ये ऐसे ही है कि कोई जैसे गलत काम कर रहा हो वो बोलेगा कि नहीं, मैं अपने आप को अगली बार सुधार लूंगा, नहीं करूंगा। और दूसरा खतरा इसमें ये है कि अब वो मीडिया हाउसेस वहां से पूछते हैं कि सरकार नहीं तो सब कंट्रोल में कर लेगी, और एक लोकतंत्र में मीडिया सरकार के कंट्रोल में आ जाए तो ये बहुत खतरनाक स्थिति होगी। वो प्राइवेट जो मीडिया हाउसेज है उनका तर्क ये रहता है। तो तब जाके जो मीडिया में रेगुलेशन की बात होती है तो सरकारी वर्सेस प्राइवेट रेगुलेशन में सिमट जाती है, और जो प्राइवेट ओनर्स जो हैं वो बोलते हैं कि हम खुद को ठीक कर लेंगे। तो ये दोनों स्थितियां बड़ी खतरनाक हैं। तो रेगुलेशन की जब बात आती है तो सिर्फ न्यूज कंटेंट पे उसको फोकस कर लिया जाता है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो ओनरशिप है उसको लेके भी कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा एक ऐसा इशू है कि अगर आप जैसे रेगुलेशन की बात की तो उसमें ये लगता है कि ये शायद हमारी डेमोक्रेटिक उसके हनन ना हो जाए हमारा, है ना, हमारी जो इंडिपेंडेंट जो मीडिया है उस पर ना हनन हो जाए, इसका ना इंटरफेरेंस करे सरकार, तो सारे के सारे उसको अपोज करते हैं, है ना। लेकिन जो आपने इशू उठाया कि क्या वो इंटरनल जो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं क्या वो इफेक्टिव है, क्या जो ओनरशिप है, अब मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर जो प्रिंट और इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मालिक हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर हैं। हाँ। उसकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से वो एमपी बन चुके हैं। सही बात। तो क्या वो इंडिपेंडेंटली अपने इदारे जो हैं उनके, चाहे न्यूज चैनल्स हैं या अखबार हैं, या वो चला पाएंगे? तो मुझे नहीं लग रहा कि वो ऐसा कर पाएंगे। तो यही नहीं, पॉलिटिकल ओनरशिप तो है ही है, उसके साथ में हाल के सालों में जो पेड न्यूज का चलन बढ़ा है जी, जिसमें जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नाम की जो एक क्वासाई स्टेचुअरी बॉडी हमारे पास है, लेकिन वो भी जिस तरह से काम करती है उसमें भी उसका अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो उसमें आधे से ज्यादा लोग जो ओनर्स हैं प्रेस में उनका रिप्रेजेंटेशन उसमें ज्यादा है। तो पेड न्यूज पर जब रिपोर्ट परंजय गुहा ठाकुरता और के श्रीनिवास रेड्डी ने जब तैयार की, 72 पेजेस की रिपोर्ट थी, तो जो ओनर्स की जो लॉबी है उसने उस रिपोर्ट को पहले बाहर नहीं आने दिया। तो ऐसी हालत में जो पेड न्यूज का खतरा है या जो उनका प्रभाव है, ऐसे में पत्रकारिता को या जो फैक्चुअल न्यूज है उसको या एक न्यूट्रल न्यूज है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, और पत्रकारिता की जो वैल्यूज हैं, जो उसके उसूल हैं, जो उसके मूल्य हैं, उनको कैसे बचाया जा सकता है ऐसे में? मुझे लगता है कि ऐसा है भूपेन के ये एक लंबी लड़ाई है। हाँ। और मुझे लगता है कि शायद ये जी जैसे जैसे समय आएगा ये लोगों की तरफ से ही आएगी आवाज, है ना। इस पे सरकारी रेगुलेशन लगाना भी खतरनाक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में लोग फैसला करेंगे कि किसकी क्रेडिबिलिटी क्या है और मुझे क्या देखना है, मुझे क्या सुनना है और मुझे क्या पढ़ना है। और जिसकी क्रेडिबिलिटी होगी आने वाले समय में, हो सकता है वो 20 साल लगे, 30 साल लगे या 50 साल लगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा समय एक आएगा कि जब लोग फैसला करेंगे कि ये इंडिपेंडेंट सच है, मैं यही पढ़ूंगा, ये इंडिपेंडेंट सच है जो दिखाया जा रहा है, मैं ये देखूंगा, और ये ठीक है, ये मैं सुनूंगा रेडियो में जी। तो ये मुझे लगता है कि ये सेल्फ रेगुलेटेड लोगों की तरफ से ये फैसला होगा, और बाकी अपने आप डंप हो जाएंगे जिनकी सर्कुलेशन नीचे जाएंगी और लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे। तो काजमी साहब कहते हैं कि जो दुनिया तो उम्मीद पर कायम है, तो इस तरह की अगर हम उम्मीद करें तो बहुत अच्छा, और उम्मीद जरूर की ही जानी चाहिए। और इसके अलावा एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जो न्यूज मीडिया की या समाचारों की हमें जो आजादी मिली है देश में, वो संविधान ने हमें दी है एक तरह से, जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो हमारे पास राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको प्रोवाइड करता है, उसी में हमने मीडिया की फ्रीडम को भी रखा हुआ है, और मीडिया की फ्रीडम भी उसी के तहत हमें यहां पर 19A जो एक्ट है उसके मुताबिक हमें यहां पर मिली हुई है फ्रीडम मीडिया की। तो ये जो फ्रीडम है, इस फ्रीडम में
कोई आपको लग रहा है कि कुछ खतरे इस पे मंडरा रहे हैं? एक तो इमरजेंसी के दौरान उस पे बड़ा खतरा था, न्यूज को सेंसर किया जा रहा था। आज क्या आपको ऐसा लग रहा है कि देश भर में जो मीडिया है, या क्या वो सही इश्यूज को उठा रहा है, क्या जनता के सवालों को उठा रहा है, और जो पत्रकारिता का जो मूल उद्देश्य है कि वॉचडॉग की भूमिका में रहे, और जो पावर जो है, जो पावरफुल जो लोग हैं, जो सिस्टम में जो सब कुछ चला रहे हैं, उन पे निगरानी रखे और उन पे सवाल उठाए, और जब सवाल बचे रहते हैं पत्रकारिता में, पत्रकारों के पास, तभी हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ता है। और जिस दिन सवाल उठना बंद हो जाता है, उस दिन निरंकुशता का खतरा बढ़ने लगता है मेरे ख्याल से। तो ऐसी स्थिति में क्या हमारा न्यूज मीडिया अपना रोल आज प्ले कर पा रहा है? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पिछले 5-7 साल से देख रहा हूं कि जो न्यूज मीडिया का रोल है वो प्रॉपर इतना अदा नहीं हो पा रहा। आप देखेंगे कि एक ही तरह की फिलॉसफी, एक ही तरह की पॉलिटिकल थॉट, आइडियाज, और सबसे बड़ी बात है जो वॉचडॉग का काम है मीडिया का, वो आप कर नहीं पा रहे जी। चाहे वो प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, कुछ को छोड़ के ज्यादातर जो मेजोरिटी है वो ही लाइन टो कर रहे हैं जिनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। आप उन्हीं की ही वाहवाही कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे या अपने अखबारों में, या आप उसी पॉलिटिकल लाइन को टो कर रहे हैं आप। तो मुझे लगता है कि काफी इस पे काम करने की जरूरत है जी। और इंडिपेंडेंटली सरकार के काम को क्रिटिसाइज करना, ये मैं बिल्कुल नहीं पा रहा हूँ आजकल अखबारों में। आप देखेंगे बिल्कुल कम हो गया। आप क्रिटिकली इवेल्युएट करना उनके कामों को जी, ये बिल्कुल तो मुझे लगता है कि जैसे दुनिया के जो बाकी देश भी हैं, अगर एक वाइब्रेंट मीडिया की पहचान यही है कि वो हमेशा सवालों को जिंदा रखे और डिबेट को जिंदा रखे, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस जो हमारे वक्त हमें जो हमारा वक्त हमें दे रहा है उनको उठाए। लेकिन दूसरा हम देखते हैं कि ये लोकतंत्र में संभव है कि सवाल उठें, जहां पर राजतंत्र है, जहां पर ऑटोक्रेसी है खास तरह की, और जहां पर किसी धर्म की सत्ता है, वहां पर ये संभव नहीं है। तो ये जो खतरा है कि जैसे पूरा मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों में हम देखें, तो वहां पर जहां पे इस्लाम रूल करता है तो वहां पर नहीं बोल सकते हैं, कोई आजादी नहीं है मीडिया को बहुत सारी जगहों पे। और इसी तरह से अलग अलग देशों में, चाइना में आप जाएं तो वहां भी मीडिया को उस तरह की आजादी नहीं है। तो आजादी जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जो हमें देता है, तो क्या जो बाकी देशों में जिनका मैं उदाहरण दे रहा हूं वहां जो हालात हैं, तो उस तरह के हालात बनने का खतरा क्या हमारे देश में भी कभी कभी आया है इससे पहले भी, जैसे इमरजेंसी की मैं बात कर रहा था, या जो आज आप हालत बता रहे हैं, तो क्या उस तरह का खतरा तो कहीं नहीं हमारे मीडिया के सामने? ऐसा है कि इस मर्तबा जो हमारा खतरा है वो डिफरेंट है। जैसे हमने भी डिस्कस किया कि जो पावरफुल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो मीडिया को गाइड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जैसे डेमोक्रेसी में, अब हम अमेरिका में देख रहे हैं, ट्रंप आया लेकिन मीडिया उसकी मुखालफत कर रहा है। चाहे ट्रंप उन्हें जितनी मर्जी उन्हें बुरा भला कह रहा है, लेकिन मीडिया होल्ड कर रहा है ना, जो उनके उनका ट्रंप के बारे में ओपिनियन है वो चल रहा है उनका, चाहे वो उन्हें नहीं बुला रहा, उन्हें धिक्कार रहा है, जो मर्जी कर रहा है, लेकिन वो खड़े हैं अपनी जगह पे खड़े हैं, उन्होंने जो स्टैंड लिया हुआ। जहां तक आपने मिडिल ईस्ट और वहां की बात की, तो वहां पे हालात आप देख ही रहे हैं कि कैसे हैं जी। अभी मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते एक स्टोरी थी उनकी आर्मी को लेके, थोड़ा क्रिटिसिज्म था, तो वो इंटरनेशनल मैगजीन का पेज ही ब्लैंक गया है वहां पे, उन्होंने सेंसर कर। लेकिन पाकिस्तान के मामले में जो हमारे दोस्त लोग बताते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया बाकी जो इस्लामिक कंट्री है वहां कंट्रीज हैं उनकी तरह से नहीं है। हाँ, उनसे वो तो ये बताया जाता है कि हमारे दोस्त लोग बताते हैं कि हिंदुस्तान से ज्यादा वाइब्रेंट मीडिया पाकिस्तान का है। सवाल वहां पर लगातार उठाए जा रहे हैं। हाँ, सवाल उठाए जा रहे हैं। और दूसरा एक और है कि उनके पास चुनौतियां भी ज्यादा है, वहां पे जो किलिंग्स हो रही हैं, पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही हैं, इवन पत्रकारों को मारा जा रहा है, उठाया जा रहा है, वो बहुत ज्यादा है। तो वहां पे काम हो रहा है इस बारे में। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था कि अगर आर्मी आपकी स्ट्रांग है या आपकी ऑटोक्रेसी है या वहां पे राजतंत्र है, तो वो आपकी खबरों को रोक सकते हैं। लेकिन हम उदाहरण लेंगे अमरीका का, जहां वो प्रेसिडेंट से सीधे भिड़ रहे हैं, जो कि सबसे दुनिया का पावरफुल आदमी है, उससे वहां का मीडिया भिड़ रहा है। लेकिन मैं यहां के भी कहूंगा कि मुझे लगता है कि यहां पे भी जो ये इन चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा, जो यहां पे
भारत में वर्तमान में सामने आ रही है, पत्रकारिता, पत्रकारों और आदमी, आम आदमी के इश्यूज को लेकर। क्योंकि जो हमारा वॉचडॉग का रोल है वो प्रॉपर जब तक नहीं होगा तो तब तक डेमोक्रेसी। तो काजमी साहब, हमने पत्रकारिता के बारे में इतनी सारी बातें की, हम पाकिस्तान से लेके मिडिल ईस्ट होते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक पहुंच गए। अब मैं लौट के आना चाहता हूं जहां हम बैठे हुए हैं अभी, उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड में जो पत्रकारिता अभी चल रही है तो कैसी चल रही है? देखिए, ऐसा है कि जो नेशनल पत्रकारिता है उससे कोई भिन्न नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वही मीडिया हाउसेज हैं जो यहाँ पे भी, यू नो, जिनकी पब्लिकेशंस हैं। यहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट लोग जो पब्लिक इश्यूज को उठा रहे हैं या एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत बड़े हैं यहाँ पे, उन्हें उठा रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो वैसा ही एक्ट कर रहा है जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन कर रहे थे जी। तो यहाँ के लोगों की जो इश्यूज हैं उन्हें उठाने की अभी भी बहुत जरूरत है। और वो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी है, इलेक्ट्रॉनिक में भी है और सोशल मीडिया में भी है जी। जो लोगों के इश्यूज हैं उन्हें उठाने की बड़ी जरूरत है। तो मतलब जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जो लोगों के इश्यूज हैं जिससे आम जनता का जीवन प्रभावित हो रहा हो, उन इश्यूज को उठाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा है ना। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि, या आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उस लिहाज से जो नए लोग जर्नलिज्म में आना चाहते हैं उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, या किन तैयारियों के साथ उनको आना चाहिए, या जो पूरा पिक्चर अभी हमने दिखाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नई जनरेशन है उसको लगे कि नहीं जर्नलिज्म तो बड़ा गड़बड़ है यहां, तो इसको छोड़ देना चाहिए, फिर तो ये छूट ही जाएगा। तो कैसे आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं ये तो नहीं कहूंगा, अब 30 साल पत्रकारिता मैंने कर ली और अभी भी कर रहा हूं मैं, ये एक्साइटिंग फील्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल है डेमोक्रेसी में, अब फोर्थ पिलर कहे जाते हैं डेमोक्रेसी के। तो ऐसा है कि चुनौतियां तो हर काम में है, तो अगर आप इन सब चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हैं तो आपके पास मीडियम बहुत है, यू नो, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, रेडियो बहुत जबरदस्त, आप तो खुद रेडियो के एक्सपर्ट हैं, यू नो, और सबसे बड़ा तो सोशल मीडिया। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि फिर भी क्रेडिबल जर्नलिस्टों की जरूरत रहेगी, ईमानदार लोगों की जरूरत रहेगी जी। और आने वाले समय में वो ही आम लोगों के इश्यूज उठाएंगे और आम लोग उन्हें क्यों ही देखेंगे और उन्हीं को ही पढ़ेंगे और उन्हीं को सुनेंगे। बहुत बढ़िया। तो ऐसे में काजमी साहब, आपने हमसे बातचीत की, पत्रकारिता के बारे में हमने ढेर सारी बातें की, तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ ट्रिब्यून के स्टेट हेड उत्तराखंड में एसएमए काजमी साहब। इसी के साथ मैं भूपेन सिंह अपने दर्शकों से विदा लेता हूं। नमस्कार।